नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नई वीडियो पर। और आज अपन आए स्वराज के शोरूम पर और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं स्वराज 855 एफई ट्रैक्टर के बारे में। 5-स्टार ट्रैक्टर है और पूरी डिजाइन इसकी जो है चेंज करी है स्वराज ने पुराने ट्रैक्टर से। 2024 का मॉडल है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ है ये सर, तो ये आपको पूरी जानकारी इसके बारे में जो है बताने वाले हैं क्या क्या है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं सर, बताइए क्या क्या इसमें चेंजेस किया है। इसमें पहले ये बोनट चेंज किया है, पहले सस्पेंशन सीधा स्ट्रेट बोनट आता था, अब ये कर्व में कर दिया है। इसे बोलते हैं ना कार मारुति बोनट, हाँ। उस टाइम में फिर एलईडी ये लाइट कर दी है, इसकी एलईडी फ्रंट एक्सल में ये जाली कर दी है। तो इसमें एलईडी का ऑप्शन जाता है ना, मतलब इसमें अपन एलईडी करवा सकते हैं, एलईडी करवा सकते हैं, जाली चेंज होती है इसकी, पूरा एलईडी हो जाता है। इसके बाद पहले बोनट साइड से होता था, अब यहीं से ओपन हो गया, बोनट साइड से था, अब ये सिंगल पीस बोनट दे दिया है, सिंगल जैक के साथ है यहाँ पे, सिंगल जैक के साथ। इसके बाद इसमें ये अपन ब्रेक चलाते हैं, इस हिसाब से ये डबल टेंडम पंप आते हैं। पहले क्या ट्रैक्टरों में ये टेंडम पंप नहीं आते थे, अभी इसमें डबल टेंडम पंप आते हैं, जो अपन ब्लेड पलटी प्लाउ पलटी रहती है उस चीज़ में उपयोग करते हैं। हाँ। चीज़ों को इसके बाद तो ये इंजन जो आता है इसका, ये वोटर कूलर इंजन आता है जी। इसमें आयल के जो थ्रू बाहर ये वोटर सर्कुलेट करता रहता है, इससे इंजन ठंडा रहे जी, ठंडा बनाए। और इंजन कितने सीसी का, इसमें कितने एचपी का इंजन है और क्या क्या है इसमें? इंजन है इसका 3480 सीसी का, 3480 सीसी का इंजन है, दो इंजन रेटेड आरपीएम पे और तीन सिलेंडर ना, तीन सिलेंडर जी। और इसका बोर और वो क्या है, स्टॉक 110 एमएम का बोर है और स्टॉक 120 एमएम का आपको स्टॉक मिलेगा। यहाँ पर आपको बैटरी बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हो 5-स्टार की यहाँ पर आपको रेडिंग मिल जाती है और ये यहाँ पर साइलेंसर मिल जाता है, जाली से कवर किया हुआ है। और फ्रंट टायर जो है 7.5-16 का फ्रंट टायर है। इसमें दो ऑप्शन है, एक और मतलब 6-16 में भी है ना, 1-16 में आते हैं जी। और यहाँ पर आपको फ्रंट एक्सल जो है एडजस्टेबल है और नॉन एडजस्टेबल भी है, स्टेट वाला जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, सिंगल जैक पावर स्टेयरिंग दी है यहाँ पर, आप देख सकते हो सिंगल जैक पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको वाटर सेपरेटर मिल जाता है, इस साइड देख सकते हो, ये डीजल फिल्टर ही है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया आपको तीन सिलेंडर के साथ आता है और 3478 सीसी के इंजन है, जो कि 2000 इंजन रेटेड आरपीएम और 110 एमएम का जो आपको इसमें बोर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग का ऑयल दिया है और ये कूलेंट दिया है, वाटर कूल सिस्टम के साथ आता है। और 6 साल की वारंटी मिल जाती है इस ट्रैक्टर में, स्वराज में आज के जो है 6 साल की वारंटी देने लगे हैं। और जो डिफर है वो भी चेंजेस किए हैं, देख सकते हो एलईडी डिफर इसने दिए हैं, पूरा चेंज कर दिया है ट्रैक्टर को। और यहाँ पर आपको देख सकते हो सिंगल स्टेप दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, सपाट प्लेटफॉर्म तो नहीं दिया है, बाकी बढ़िया इसमें आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें तीन सिस्टम में मिलते हैं, इसमें लो हाई मीडियम तीनों आते हैं, या लो हाई मीडियम में आता है ना, साइड शिफ्ट में मिलते हैं और उस साइड अपने चार गियर वो रहते ही हैं। इसके बाद IPTO इसमें अलग आता है, मतलब 12 फॉरवर्ड है और 3 रिवर्स है ना, 3 रिवर्स है, बाकी 3 ऑप्शन में आते हैं, 3 वेरिएंट में। इसमें साइड वो सेंटर शिफ्ट भी आता है ना, हाँ सेंटर शिफ्ट भी आता है जी। और एक हाई लो में भी आता है, जो साइड ही साइड में है ना, हाँ हाई लो साइड में आता है, हाई लो मीडियम, तीनों वेरिएंट में मिल जाएगा ऑप्शन है, आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। और ऊपर से बात करते हैं, जैसे एडजस्टेबल सीट है इसकी, हाँ एडजस्टेबल है ना। और क्लच की बात करते हैं तो आपको इसमें इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाती है, यहाँ पर आपको देख सकते हो इंडिपेंडेंट PTO क्लच दी है और हाई लो मीडियम दिया है, ये देख सकते हो हाई लो मीडियम। और 1, 2, 3, 4 रिवर्स, मतलब 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर दिए हैं। और 3 वेरिएंट में एक आपको जो है हाई लो और 1, 2, 3, 4 साइड गियर में मिल जाएगा, और एक आपको मिलता है हाई लो और 1, 2, 3, 4 जो कि सेंटर शिफ्ट गियर में भी आता है। बाकी पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर देख सकते हो छोटी सी स्टीयरिंग दी है और डिजिटल डैशबोर्ड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो RPM मीटर दिया है, यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर दिया है, और ये देख सकते हो आपको यहाँ पर पूरी स्विचेस वगैरह दी है लाइट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड रेस दी है। और इस साइड बात करें तो इस साइड आपको जो है अडैप्टर पोजीशन लीवर मिल जाते हैं, आपको इंप्लीमेंट की गहराई यहाँ पर सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग पोर्ट दिया है इस साइड। और ब्रेक्स की बात करें तो इसमें आपको ऑयल एमएसड ब्रेक मिल जाते हैं, तेल में डूबे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको फुट रेस्ट के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपने फुट को रख सकते हो, पैरों को रख सकते हो। और बाकी अब यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको यहाँ पे PTO की बात करें तो 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स PTO इसमें आपको मिल जाती है। और एडजस्टेबल सीट है, काफ़ी स्पेस दी है इस ट्रैक्टर में, यहाँ पर आप देख सकते हो। और डुअल क्लच में है, जैसा कि ये देख सकते हो आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाती है, क्लच के लिए वो PTO के लिए अलग से क्लच दी है इसमें।
तो काफ़ी ज़्यादा मडगार्ड में स्पेस दी है बैठने के लिए, तीन जने आराम से इसमें बैठ सकते हो, तीन इस साइड और तीन इस साइड, यानी छः जने इसमें बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको दिया है थ्री स्टेज ऑयल वाइट टाइप का एयर फिल्टर, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये देखिए। रियर टायर की साइज़ की बात करें तो 16x9x28 में आपको रियर टायर के साइज़ मिल जाते हैं। और पीछे की बात करते हैं आप किसान भाइयों, तो पीछे इसमें क्या क्या दिया है, जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हो हाँ ऑक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूटर दिया है, ये इसका लीवर दिया है यहाँ पे। और PTO की बात करें तो 45 HP की PTO दी है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको पहले जो था स्वराज 855 उसमें जो है 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी थी, और इसमें अब जो है बढ़ा के 2000 कर दिया है, 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है आपको। और ये इजी इसका सिस्टम दिया है, इसको आप जो है इस तरह से इसको खोल कर जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इस तरह से जो है ये खुल जाता है। और इसके बाद जो है आप इसको एक ही यानी जो है पीछे से इसको ऑपरेट कर सकता है, ये लॉक हो जाता है इस तरह से, इसको लगाने के बाद इसको आप ऐसे कस दोगे तो ये लॉक भी हो जाएगा। तो ये डफर दिए हैं पीछे, इनको सब चेंज कर दिया है। पीछे के लिए ये हेलोजन लाइट दिया है, एक LED, और ये दिया है आपको यहाँ पर टूल बॉक्स, यहाँ पर आप टूल रख सकते हो और यहाँ पर आप बॉटल रख सकते हो। बाकी बढ़िया ट्रैक्टर है किसान भाइयों, टायर के साइज जैसे मैंने बता दिया है, ये 16x9x28 में आते हैं रियर टायर। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो इस ट्रैक्टर की लंबाई जो है 3575 mm की जो है इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 1845 mm की जो है इसकी चौड़ाई है ट्रैक्टर की। और व्हील वेस की बात करें तो 2250 mm का आपको इसमें व्हील वेस देखने को मिल जाता है। डीजल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 62 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर में जो है आपको इंजन की बात करें तो 3478 cc की इंजन कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पे। और बोर की बात करें तो 110 mm का बोर मिल जाता है। स्टॉक की बात करें तो 122 mm का आपको इसमें स्टॉक मिल जाता है। पहली सर्विसिंग जो है 400 घंटे पे इसकी है। तो किसान भाई ये बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। और बात कर लेते हैं आप इसकी कीमत की, तो कोई भी ट्रैक्टर की जो है सबसे ख़ास बात होती है उसकी प्राइस, उसकी कीमत क्या है। तो स्वराज 855 FE जो कि 2024 का मॉडल है, जो सिंस 1974 से जो है बनता हुआ आ रहा है, इसकी प्राइस जो है आपको ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं हम, 9,80,000 रुपये इसकी जो है ऑन रोड प्राइस है। आप इसको जो है मार्केट में जाके आप अपने नज़दीक शोरूम पर जाके जो है 9,70,000-80,000 के समथिंग आप इसको ले सकते हैं ऑन रोड प्राइस पर। तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है किसान भाइयों के लिए। और आपको ये ट्रैक्टर 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, इसमें 3 वेरिएंट है, जिसमें आपको साइड स्ट्रिप में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं और सेंटर गियर में आपको 1 वेरिएंट मिल जाता है हाईलो में। और ये जो है हाईलो मीडियम में है, इसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। और SFC वगैरह सभी जानकारी जो है आपको इसकी यहाँ पर ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी SFC वगैरह क्या दी है सब, 257 इसकी जो है FFC दी है, ये आप यहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। और सबसे बढ़िया ये लगा है मेरे को इसमें कि ये सिंगल पीस बोनेट के साथ आता है, और इसको आप जो है इस तरह से ओपन कर सकते हो, इस तरह से जो है इसको लीवर को खींचने के बाद आप इसको जो है आसानी से ऊपर उठा सकते हो। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।